हमारा जो सर बताया कि प्रश्न सागर रेसिड्यू यानी जो हमारा उत्पादन प्राप्त होता है उसके अंदर हमारे जो कृषि रसायन है उसकी मात्रता अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारा जो मानव स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है, साथ ही साथ हमारे जो पशु पक्षी हैं चिड़ियाएं हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं कि विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसा कि गिद्ध देखा होगा या गौरैया देखी होगी, इस प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को नहीं मिलती है। आपने केचुआ संसाधन संरक्षण क्या है रहता हूं कि किसान लोग आते हैं और ये समस्याएं मेरे को गिनाते रहते हैं। अब वो पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं जब उनके फसल में जो समस्या है उससे निदान नहीं मिल पाता है, उसके बाद से वो हमारे पास आते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड और जो भी फसल में ये रोग अगर आया हुआ है उसको आप काट करके नष्ट कर देंगे, दूर कर देंगे शुरू की अवस्था में। शुरू की अवस्था में जब कहीं कहीं आपको ये दिखाई दे, जब छोटे मात्रा में होगा तो उसको नष्ट कर दीजिए। एक बार इसका अगर इसको नीचे धरती पे गिर गया तो नेक्स्ट सीजन में जब आप धान बोने जाएंगे तब वो क्या होगा, वो कण आपके धरती पे मृदा पे गिरा रहेगा और अगली साल रो जाएगी। दूसरा ये है कि गुणवत्ता की अगर हमने रिकमेंडेशन के हिसाब से काम किया तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो आप बता रहे हैं वो उनके दूर न हो जाए। कहीं न कहीं आपने नहीं करा कि आपने रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं किया होगा, पर उसकी टेस्टिंग जरूरी है। हमारे पास टेस्टिंग के आधार पर हम खाद देते हैं, फर्टिलाइजर का डोज कुछ हिसाब से लिए तो निश्चित रूप से हमें समझते हैं जो बनने वाली गुणवत्ता है वो हम जरूर पाए। और इसीलिए हमें सारा काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्यारह कई जो हमारा काम सुगंधा के नाम से आता है या उसकी नई वर्जन आए हैं सबका ग्यारह सत्रह अट्ठाईस सोलह जो वर्जन हमारे विद्यालय की बल्लभ बात होती है, किस तरह की जो वेराइटी है उनका अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर मिलेगा। मैं आपको बताऊं उसका बासमती है कल की यात्री में मिला है, जब वो पाइप लाइन थे गाँव में चंदौली में हमारे चाचा बोले महंगाई घर के लिए बोल दीजिए, तो उन्होंने बोला कि यार कोई खरीदेगा ही, और आज तक जो है हमारे घर पे उसका ग्यारह के लिए बीजेपी नहीं रजिस्टर कर दिए सीधा। हम तो इस बात को कह रहे हैं, जिस बात को आप करने के लिए सोच रहे हैं इसे खरीदेगा कौन, सुख भी ले करो एनर्जी में वो एनर्जी आपको देने की कोशिश कर रहा है जो मार्केट रेट ये शाहजहांपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रजातियां होंगे उसका अगर चयन करेंगे तो उसमें वो रोग नहीं लगेगा। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा फोन नंबर आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। मेरा नंबर है 9557994323। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर चंदौली गाजीपुर ज्वाइनिंग, यदि किसानों को बासमती का लाभ मिल सके उनको कैसे कल्टीवेशन होना है, कैसे उसकी बुआई होनी है, हमारे वैज्ञानिक जो गोपाल जी आए उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस